फ्रेंड्स वेलकम बैक. तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो है तालिबान, ओरिजिन ऑफ तालिबान, इम्पैक्ट ऑफ तालिबान ऑन इंडिया, यूएस ट्रूप्स रिटर्न फ्रॉम अफगानिस्तान, ओसामा. तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं. पर वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे के बस जो सब्सक्राइब का बटन है उसको और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. एंड हमारा दूसरा चैनल, सॉरी यार भूल जाती हूँ, दूसरा चैनल या दूसरे दो चैनल जो है व्लॉगिंग एंड गेमिंग और न्यूज, उन दोनों के डिटेल्स लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना. राइट, और ट्विटर में जरूर फॉलो करिए क्योंकि उसमें आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे जैसे हमारे वीडियोज पब्लिश होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में. तो चलिए शुरू करते हैं. जय हिंद. अफगानिस्तान के 85% एरिया पर तालिबान ने कब्जा कर लिया. अब ये तालिबान क्या है, इसके आने सर क्या असर पड़ेगा और ये एशिया में काफी इम्पैक्ट डालेगा. रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इन सबके इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं. तो इसको समझने के लिए, तालिबान और अफगानिस्तान इंडिया रिलेशन टोटल, इसको अच्छे से समझने के लिए हम 100 साल पीछे चलते हैं. आज से 100 साल पीछे चलते हैं. देखिए 1999 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया. उस समय भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती थी क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था. ड्यूरन रेखा से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया. अंग्रेजों को अफगानिस्तान से कुछ खास मिल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पहाड़ और रेगिस्तान थे यहाँ पर. तो 1919 में जैसे ही अफगानिस्तान आजाद हुआ, अफगानिस्तान में राजशाही आ गई और वहां पे शाह वंश का राजशाही चलने लगी. शाह वंश के अंतिम राजा जो हुए वो मोहम्मद जहीर शाह हो गए. जहीर शाह 1973 में बीमारी का इलाज करने के लिए अफगानिस्तान से इटली गए. जैसे ये इटली गए तो इन्हीं का सेनापति दाऊद खान ने इनका तख्ता पलट कर दिया और खुद को क्या घोषित कर दिया कि यहाँ का प्रधानमंत्री. और इसने कहा कि यहाँ संविधान लागू होगा. लोगों को लगा कि नहीं भैया, चलो राजा से तो अच्छा संविधान लागू होगा. लेकिन इसने जब 1977 में अपना संविधान लागू किया तो इसने सिंगल पार्टी की स्थापना कर दिया. खुद को कहा कि भैया हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, जहीर खान ने, क्योंकि उस समय ये तो सेनापति था. कहा कि हम ही विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल जनरल, सब चीज अपने घोषित कर दिया. तो जनता इसके शासन से उब गई, जिस वजह से जनता ने विरोध कर दिया. इस विरोध को कहते हैं सोर रिवॉल्यूशन. एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है सोर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, अफगानिस्तान से. जैसे पूछता है चुड़ैलों का धावा फ्रांस से, वास्तविक युद्ध का पतन फ्रांस से, टेनिट कोटो फ्रांस से, बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका से, उस टाइप का कभी कभी ये छोटे एग्जाम में ये पूछ देता है. तो 1978 में सोर रिवॉल्यूशन हुआ, वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भैया ये गलत है. और इस विद्रोह का नायक जो था वो नूर मोहम्मद तारिकी था. और इस विद्रोह में नूर मोहम्मद तारिकी को सफलता मिल गई, उसने दाऊद खान को रिप्लेस कर दिया और यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया नूर मोहम्मद तारिकी. नूर मोहम्मद तारिकी को फुल सपोर्ट था रूस का और अफगानिस्तान में रूस यानी उस समय यूएसएसआर था, जिस वजह से नूर मोहम्मद तारिकी पर यूएसएसआर का प्रभाव पड़ा. यूएसएसआर यानी वो उस समय कम्युनिस्ट देश था, कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जिस वजह से इसका प्रभाव अफगानिस्तान में भी देखने लगा. नूर मोहम्मद तारिकी यूएसएसआर के प्रभाव में आकर अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करने लगे. वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह को खोलने लगे. और इन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के ही दौर में महिलाओं के शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया. मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना कंपलसरी न होके वो नॉर्मली रहे, जो लड़कियां जैसा ड्रेस पहनना चाहे वो पहन सकती है. अब वहां पर ज्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा. इसी बीच में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रिफॉर्म को लाते हुए, समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे कुछ जमीन लेकर गरीबों को या जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें दान दे दिया जाए. ऐसे ही जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में किया था. इसका अफगानिस्तान के मुसलमानों ने विरोध किया क्योंकि अफगानिस्तान में यह मान्यता है कि ऊपर वाला ही है जो जिसको अमीर बनाता है या गरीब बनाता है. यानी मुकेश अंबानी को ऊपर वाले ने अमीर बनाया है और पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया है, ये ऊपर वाले की ही मेहरबानी है. तो इसका विरोध अफगानिस्तान में बहुत भयानक था. अब अमेरिका चाहता था, अमेरिका और रूस में उस समय कोल्ड वॉर चलता था, दोनों एक दूसरे की वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे. तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के मुसलमानों को कहा कि देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम अपने मजहब के लिए लड़ो. मजहब के लिए लड़ने के लिए इसने मुजाहिदीन तैयार किया. मुजाहिदीन उसे कहते हैं जो मजहब के लिए लड़ाई करता है. तो अमेरिका ने, सोचिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुसलमानों को मुजाहिदीन बनने के लिए मजबूर किया और पैसा दिया रूस से लड़ने के लिए. इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, नूर मोहम्मद तारिकी के जो विदेश मंत्री थे हफीजुद्दीन अमीन, उसको CIA के एजेंट भेजकर अपने में मिला लिया. अब सोचिए किसी देश का विदेश मंत्री दूसरे देश के इशारे पर काम कर रहा है तो क्या होगा. नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन को अमेरिका ने सख्त आदेश दिया कि अफगानिस्तान में जितना भी इस्लाम विरोधी चीजें हैं मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज करो. इसने मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज कर दिया, जिस वजह से अफगानिस्तान में ये मुजाहिदीन भड़कने लगे और ये कहने लगे कि हमारा मजहब खतरे में.
और इसमें नूर मोहम्मद तारिकी और रूस एक और तरह गए और ये भड़काने में आगे बढ़ गया। इनको हथियार और पैसा अमेरिका प्रोवाइड कराने लगा। सोचिए, ये अमेरिका ही नहीं है जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे आतंकवाद को लेके चला गया। अब यहाँ अफगानिस्तान है, इसको पैसा देंगे कैसे? तो इसमें मिल गया पाकिस्तान। ये साले सब भिखारी तो शुरू के हैं सब। अफगानिस्तान में यहाँ से पैसा जाने लगा, वहां पे जितने मुजाहिदीन थे उन्हें अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाकर ट्रेनिंग दिया जाने लगा। उन्हें पैसा, ट्रेनिंग सब अब पाकिस्तान से पहुंचाया गया। बदले में पाकिस्तान को भीख के रूप में हमेशा जैसे पैसे मिल जाते थे मिल जाया करते थे। अफगानिस्तान का करियर बर्बाद हो गया, उससे क्या मतलब है? अमेरिका ने इसी सिलसिले में क्या किया, सऊदी अरब से भी लोगों को भेजा अफगानिस्तान में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आप सुने होंगे ओसामा बिन लादेन का। अमेरिका की मीटिंग हुई थी ओसामा बिन लादेन के साथ, यहाँ जाके किसे मारना है? यूएसएसआर को भगा देना है, यहाँ नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को क्या कर देना है, गिरा देना है, और यहाँ पर क्या करना है, इस्लाम को मतलब इस्लामिक चीजों को लाना है। अब इस वजह से यहाँ पर आतंकवाद बढ़ने लगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी क्या कहा, इसके खिलाफ भड़काना चालू किया। स्टूडेंट्स को वहां की भाषा में तालिब कहा जाता है, तालिब यानी स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट में उमर नाम का जो स्टूडेंट था वो काफी ज्यादा मतलब उग्र विचारधारा का था, बहुत ज्यादा मारकाट में आगे रहता था। अब ओसामा बिन लादेन का अमेरिका से दुश्मनी कैसा हो गया ये अलग टॉपिक है, लेकिन हुआ क्या था कि जब सद्दाम हुसैन और कुवैत के बीच में युद्ध चल रहा था तो अमेरिका जो है सद्दाम हुसैन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब की जमीन से उड़ान भरता था। तो ओसामा बिन लादेन ने कहा कि सऊदी अरब मक्का मदीना ये पवित्र भूमि है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अमेरिका के दबाव में आके सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन को भगा दिया, जिस वजह से ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिका के 9/11 हमला कर दिया 26 यहां पर, और उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया। मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। देखिए, ओसामा बिन ये अमेरिका और रूस उस समय एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे वर्चस्व की लड़ाई, और दोनों ने किस तरह से कांड किया ध्यान से समझिए। ये है ईरान। ईरान इसी समय 1979 में दो दो जगह पर मॉडर्नाइजेशन चल रहा था। ईरान में अमेरिका का प्रभाव आ गया और यहाँ पर उसने मुसलमानों को मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, शराब, बियर बार, अय्याशी सब चालू करा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कहा कि भैया ये मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी है। तो इसको काउंटर करने के लिए इधर से रसिया जो है ये अफगानिस्तान में घुस गया नूर मोहम्मद तारिकी के थ्रू कि तुम यहाँ मॉडर्नाइजेशन करो। लेकिन अमेरिका को देखिए, जो अमेरिका ईरान में पश्चिमी सभ्यता थोप रहा है वही अमेरिका अफगानिस्तान के मुसलमानों को कह रहा है कि तुम्हारा धर्म रूस बर्बाद कर रहा है मॉडर्नाइजेशन करके। अब सेम काम रूस कह रहा है ईरान के लोगों से कि तुम्हारा मजहब खतरे में पड़ रहा है। तो ईरान में भी रिवॉल्यूशन हो गया और अफगानिस्तान में भी हो गया सेम 1979 में। ईरान के लोग कहें अमेरिका भागो, हमारा कल्चर ठीक है, और यहाँ पर जो थे अफगानिस्तान में वहां पर उन लोगों ने भगा दिया। अमेरिका ईरान में जब लात खाया तो ईरान वाले को कहने लगा कि आतंकवादी है, लेकिन यही अमेरिका यहाँ पर अपना पैसा भेजता था। और रूस जो अफगानिस्तान में लात खाया तो अफगानिस्तान में लोगों को आतंकवादी कहने लगा। मतलब अपने फायदा के लिए पूरी दुनिया में आतंक मचा दो। ईरान रिवॉल्यूशन सक्सेस हो गया और अमेरिका को यहां से भागना पड़ गया वापस। अब अमेरिका को डर इस बात का था कि ईरान से हम तो हार के आए हैं, यहां अगर रूस का दबदबा हो जाएगा तो यह बात अमेरिका के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में भी विद्रोह हो जाए। अब रूस हर हाल में इस विद्रोह को दबाना चाहता था, इसलिए नूर मोहम्मद तारिकी जो थे, ये नूर मोहम्मद तारिकी ये जब यहां रूस गए स्थिति को समझने के लिए, तो रूस ने इन्हें समझाया कि देखो ये मुसलमान जो है वो भड़क चुके हैं, तो मुसलमानों को शांत रखना अभी फिलहाल जरूरी है, इसलिए तुम मॉडर्नाइजेशन को धीमा रखो। तो ये मॉडर्नाइजेशन को तो धीमा रखते, और इन्होंने कहा कि देखिए हाफिजुद्दीन अमीन हमारा बात नहीं सुनता है, खुद है मेरा विदेश मंत्री है। तो रूस ने उनसे कहा कि इसको हटाओ पद से, ये अमेरिका का एजेंट है। लेकिन ये बात जब नूर मोहम्मद तारिकी जब लौट रहे थे अफगानिस्तान, तो उससे पहले ही अमेरिकी की खुफिया एजेंसी नूर इसको हाफिजुद्दीन अमीन को बता दिया कि ऐसा ऐसा कांड होने वाला है, तुम्हें हटाया जाएगा। जैसे इनका फ्लाइट लैंड किया ये घर गए, उनको विद फैमिली मार दिया, और वहां पर शासन किसका हो गया, हाफिजुद्दीन अमीन का। अब यहां पर एक तरह से देखिए तो ईरान तो अमेरिका भले ईरान से चला गया, लेकिन अमेरिका का ही एजेंट अफगानिस्तान में बैठकर शासन करने लगा, तो ये अमेरिका के लिए तो अच्छा था, लेकिन रूस के लिए ये सही नहीं था, क्योंकि रूस की सीमा उस समय यहां तक लगती थी, अफगानिस्तान तक लगती थी, क्योंकि रूस उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था जो आज 15 देशों में टूट गया, इसलिए मजबूरी में रूस को हमला करना पड़ा।
और 25 दिसंबर 1979 को यानी इस साल के अंतिम समय में इसने क्या किया, थल सेना लेकर घुस गया कहां पर, सीधे रूस से, पहले ये तो पूरा रूस था, ये पूरा रूस था, यहां से सीधे अफगानिस्तान में घुस गया और अफगानिस्तान में घुस के हफीजुद्दीन अमीन की सरकार को उड़ा दिया, इनको मार दिया और यहां पर एक एक करके सेना आगे बढ़ने लगी। रूस को लगा था कि वो अफगानिस्तान को बड़ा इजीली जीत देगा, ये रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि अफगानिस्तान प्लेन मैदान नहीं था, पूरी तरह पहाड़ी एरिया था, यहां पर सेना को इतनी तकलीफ झेलने पड़ी जिसका कोई हद नहीं। अब इतनी ऊंचाई से ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आतंकवादी घुसे रहेंगे और इन आतंकवादियों को हथियार, पैसा, ये सारी चीजें अमेरिका के थ्रू मिल रही थी और अमेरिका ये सारी चीजों को पाकिस्तान में डंप करता था, वो आतंकवादी मुजाहिदीन पाकिस्तान आते थे और यहां से लेके चले जाते थे और रूस को लगा कि वो इजीली जीत जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पर ये जितने आतंकवादी जो थे मुजाहिदीन, इन्हें हथियार सारा अमेरिका ने दिया, मतलब ये आतंकवादी अमेरिका के हथियारों से, अमेरिका के पैसे से, अमेरिका की ट्रेनिंग पर है और हम लोग के लिए सरदर्द बन के बैठे। तो रूस को यहाँ दिक्कत होने लगा, रूस की सेना दिन पर दिन मराने लगी क्योंकि ये आतंकवादी जो थे ये यहीं पर पले बढ़े थे, इनको हर एक चीज का आइडिया था, रास्ते का, और कहाँ छुपे रहते थे मार देते थे और इनके पास लेटेस्ट हथियार था। इस वजह से रूस की थल सेना को यहाँ बढ़त नहीं मिल पाई, बड़ी बड़ी वाहनें जंगलों में और पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाती हैं सब। तो इस वजह से रूस को लगा कि हम अपना एयरफोर्स उतार देंगे, जो रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि पहाड़ों पर एयरफोर्स जल्दी सक्सेस नहीं हो पाती है और इसको मारने के लिए अमेरिका ने इगला मिसाइल दे दिया था। अब ये जो स्टिंगर मिसाइल, इगला रूस का है, स्टिंगर अमेरिका का, स्टिंगर मिसाइल बड़ा सटीक हमला करता है किसी भी जहाज के ऊपर, बस उसको इंजन की गर्मी को सूंघ के पहुंच जाता है। अब जहाज की इंजन हमेशा गर्म रहता है, यहां सोच रहा है ट्रैक्टर चलता है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है, तो ये इजीली शूट करके गिरा देता है। तो रूस के जितने भी जहाज थे वो मारे गए जाने लगे। याद कीजिए कारगिल की लड़ाई में हमारा भी मिराज जहाज गिर गया था, MI-17 को भी मार के गिरा दिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस वजह से वहां एयरफोर्स उतना तगड़ा नहीं लड़ पाई थी क्योंकि पहाड़ों पर लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। यही हाल हो गया USSR के साथ, उसके हेलीकॉप्टर सब कोई सब मार मार गिरा दिया, सब उस पर खेलने लगा था भी कौन चीज कैसे उड़ता है, मार मार सब ध्वस्त कर दिया। तो उसकी थल सेना और वायुसेना दोनों बहुत बुरी तरह से मतलब प्रभावित हुई और अंततः रूस को लग गया कि यहां पर रहना ठीक नहीं है, मुजाहिदीन के चक्कर में हमारा बहुत लोग मरा रहे हैं। वहां गैरवा चौक का शासन था रूस में, उन्होंने 15 फरवरी 1989 यानी 10 साल तक जो सोवियत युद्ध चला, इसमें 15,000 सोवियत सैनिक जो सैनिक थे वो मारे गए। मुजाहिदीन इसमें खतरनाक इसलिए लड़ रहे थे, उनको उनका उनके पास कुछ है नहीं खोने के लिए, ना घर है, ना इंडस्ट्रीज है, ना फैक्ट्री है, ना GDP है, ना विदेश नीति है, ना कुछ है, मारो ससुरों का वहां पे। और अमेरिका ने उन्हें गाइडेड मिसाइल दे दिया। सोवियत अफगान वार जो था वो 1979 से 89 तक यानी 10 साल चला, इसमें आर्मी और एयरफोर्स रूस ने उतारा था जो उसको बहुत बुरा घाटा पड़ गया। हथियार और पैसे की सप्लाई अमेरिका ने किया था यहां से और ये इस पर ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, आतंकवादियों को छुपने का जगह, आतंकवादियों को अपने रिश्तेदार की तरह घर में रखना, ये सारा काम किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। ये रूस उसी तरह ये अफगानिस्तान में हार के गया जिस तरह से अमेरिका वियतनाम में हार के गया था। तो अमेरिका की जिंदगी की सबसे बड़ी हार वियतनाम वार थी और इस बार भी अफगानिस्तान में भी उसको कुछ खास मिला नहीं और रूस के लिए ये भी बहुत घातक हो गया। हालांकि अफगानिस्तान को कोई शुरू से नहीं जीत पाया, सिकंदर भी यहाँ 3 साल तक सेना लगा के रखा हुआ था, उसकी माँ ने पूछा था कि तुम जीत क्यों नहीं पाते हो छोटे से देश को, तो सिकंदर ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की मिट्टी को अपनी माँ के मतलब भेंट में दिया था, तो जैसे अफगानिस्तान की मिट्टी पहुंची सिकंदर के गांव, उसके गांव में झगड़ा होने लगा। तो ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में कभी झगड़े खत्म नहीं होगा, वहां खाली मारे काट वाले, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी बहुत आगे तक नहीं है, वो गोली चलाओ उन लोगों के लिए GDP वगैरह मायने नहीं रखती है। तो रूस यहां से चला गया, लेकिन यही गड़बड़ी हो गई। रूस तो चला गया, यहां पर रूस के जाने के बाद यहां पर जो धार्मिक लड़ाई चल रही थी, जो मुजाहिदीन चल रहे थे, अब इन्होंने आपस में लड़ने लगे, इन्होंने अपना गुट बना लिया, 50 भैया ये 10 मोहल्ला मेरा, ये 2 जिला मेरा, ये यहाँ। अब इसमें क्या हुआ कि अफगानिस्तान में सिविल वार छूट गया, गृह युद्ध हो गया, रूस तो चला गया। अब यहाँ पर किसी का सामान लूट लो, कुछ मर्डर कर दो, डकैती कर दो, ये सारे चलने लगा। तो अफगानिस्तान के आम पब्लिक जो थे इससे उब गए, वो चाहते थे कि एक ऐसा लीडर मिले अफगानिस्तान के लोगों को जो अफगानिस्तान को लीड कर सके। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि सोवियत संघ यानी रूस से लड़ाई में सबसे तगड़ा कौन भाग लिया था, तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट ने सबसे तगड़ा लड़ाई लड़ा था। तो अफगानिस्तान में स्टूडेंट्स को तालिब कहा जाता था, तो इस तालिब में सबसे खतरनाक जो स्टूडेंट तगड़ा था, एकदम यूनियन लीडर था, उसका नाम था उमर। तो इन लोगों ने उमर को पकड़ा, तो उमर जो था वो
स्टूडेंट था और स्टूडेंट के ही एज में हथियार उठा लिया और बहुत बहादुरी से लड़ा था, रूस को भगा दिया था। हालांकि उमर का लड़ाई में दाहिनी आंख जो थी वो रूस के बम से क्या हो गई, विस्फोट से इसकी दाहिनी आंख उड़ गई थी। जब रूस चला गया तो ये जो उमर था ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा। तो मस्जिद में जब ये नमाज पढ़ाने लगा तो उमर की एक आंख तो फूट चुकी थी लड़ाई में, अब मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा। तो नमाज पढ़ाने वाले को मुसलमानों को मौलवी या मुल्ला कहा जाता था, तो उमर जो था वो मुल्ला बन चुका था, इसलिए इसे इसका नाम पड़ गया मुल्ला उमर। और यही मुल्ला उमर जिसकी दाहिनी आंख फूट गई थी इसी को कहा गया कि आप तालिब का लीडर बनिए। तो इसने एक संगठन बनाया जो स्टूडेंट्स का संगठन था जिसका कहा गया तालिबान। और इस तरह से गृह युद्ध को खत्म करने के लिए स्टार्टिंग हुआ तालिबान का। और इस तालिबान को पहले से अमेरिका ने हथियार ट्रेनिंग सब कुछ दे रखा था। इस तालिबान की फौज ने वहां अफगानिस्तान में जितने छोटे छोटे कबीले ग्रुप बने थे सबको साफ कर दिया और अफगानिस्तान पर छत्र राज कर लिया पूरी तरह से तालिबान ने, जो आज है। अब तालिबान देखिएगा तो ज्यादातर नीचे वाले एरिया में ही काबिज है क्योंकि इनको पाकिस्तान से ही पैसे सप्लाई अमेरिका पहुंचा रहा था। इसी बीच रूस का एक स्पिन बोल्डाज एक जगह है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है कंधार के पास। यहां पर रूस का सबसे बड़ा हथियारों का डिपो था जहां से हथियार सप्लाई होती थी। यह बात पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बता दी। वहां के तालिबान वालों ने आए और इसे लूट लिए और इस वजह से अमेरिका और रूस दोनों के हथियार तालिबान के पास आ गए थे। आप कहेंगे कि कब्जा कैसे होता है, 85% एरिया पे कैसे कब्जा कर लिया। आपको भी अपना एरिया कब्जा करना है तो वहां के पुलिस स्टेशन उड़ा दीजिए, पुलिस स्टेशन उड़ गई आपका एरिया हो गया, आप कौन रोकेगा आपको। अब आर्मी आएगी, अगर आर्मी से लड़ाई कर लिए तो उसी को कहते हैं सिविल वॉर यानी गृह युद्ध। अपनी ही देश की फौज से लड़ गए तो गृह युद्ध यानी सिविल वॉर हो गया, पुलिस उड़ा दी है तो आपका कब्जा हो गया वहां पर। तो ये हो गया अफगानिस्तान पर पूरी तरह से यहाँ पे कब्जा हो गया। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए जितने आतंकवादियों बुलाया था वो अमेरिका ने बुलाया था, इसी में एक नाम था ओसामा बिन लादेन का। लेकिन ओसामा बिन लादेन अमेरिका से दुश्मनी ले लिया था क्योंकि तुम सऊदी अरब से उड़ान भर के उसमें इराक पर हमला क्यों कर रहे हो। इस वजह से ओसामा बिन लादेन जो था वो 9/11 का हमला करके उड़ा दिया यहाँ पर 11 सितंबर 2001 को यहाँ पर, और भाग के छुप गया अफगानिस्तान में। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कहा कि यहाँ हमको क्या चाहिए, ओसामा बिन लादेन चाहिए। तो उस समय अफगानिस्तान में भले अमेरिका के दबाव में अमेरिका के हथियारों से रूस को भगा दिया गया था, लेकिन वहां अमेरिका के ही आतंकवादी थे जिसमें सबसे तगड़ा स्टूडेंट का ग्रुप था तालिबान, और तालिबान का लीडर था उस समय मुल्ला उमर जो अफगानिस्तान की लड़ाई में ही जख्मी हुआ था। मुल्ला उमर ने कह दिया हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है, भगो यहाँ से। तो अमेरिका ने कहा हमको युद्ध कर देंगे, कहा गया ससुराल युद्ध कर देंगे, अब ये ना भगाए हैं रूस को तो रो देख लेंगे, आओ 10 साल में पूछ दिए आओ तुम भी। और यही अमेरिका कूद गया इस युद्ध में। हालांकि अंततः ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के ऊपर आरोप भी नहीं लग पाया क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया कि ओसामा बिन लादेन को बनाया कौन था, तालिबान को बनाया कौन था, अमेरिका ने बनाया था। अब भाई आतंकवादी के आगे अमेरिका, भाई आतंकवादी पे जब डिस्कस होगा पाकिस्तान से कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि आतंकवादियों की फैक्ट्री है, सबकी हिस्ट्री पता है कौन कहां से आया। तो फ्रेंड्स व्हाट अ न्यूज, पूरा पीछे का बता रहे हैं जो मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या अफगानिस्तान में हुआ और कैसे रशिया, ये मतलब जेनरिक आइडिया था पर इतना डेप्थ में मुझे अभी पता नहीं है। तो जो इनकी वीडियो बता रही है उससे जो पता चल रहा है वो कितना 100% है कि नहीं, अगर हस्बैंड को पता है तो वो शेयर करेंगे, अगर आपको पता है इसमें कोई थोड़ा मतलब डिफरेंस ऑफ व्हाट आप लोगों ने पढ़ा है या उस टाइम जो हुआ था तो वो आप शेयर कर सकते हो। पर अकॉर्डिंग टू इस वीडियो में जैसे ये बता रहे हैं, मैं तो ये देख के हैरान हो रही थी कि पावरफुल कंट्रीज, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूएसएसआर हो, जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपनी पावर के लिए बेचारी दूसरी कंट्रीज के ऊपर कैसे कैसे मतलब वो करते हैं उन इमटेरियल की, उसकी वजह से उन वहां के लोगों के ऊपर क्या असर होता है, उनकी लाइफस्टाइल में क्या फर्क पड़ता है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अब वो गुड इंटेंशन से कर रहे हैं या बैड इंटेंशन से वो मुझे नहीं पता, पर हालात वहां पे बुरे हो गए और वो बहुत बुरी बात है कि इतने बुरे हालात हो गए कि तालिबान आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और हम मुझे याद है कि हम लोग जब न्यूज व्यूज बड़ों की बातें सुनते थे तब तो हमें कुछ कुछ पता चलता था कि जब वो बात कर रहे होते थे कि पाकिस्तान के वहां से पाकिस्तान जो है वहां पे उनको फंड कर रहा है या चीजें भेज रहा है और वहां पे उनको कर रहा है, ये सब तो सुना हुआ भी था। जैसे ये बता रहे हैं कि उनके वहां से टेररिस्ट आते हैं या जो भी ये है ये आते थे ट्रेनिंग लेते थे, वैसे हमें ये भी सुनने को मिलता था कि कश्मीर से भी लोग जा रहे हैं वहां से ट्रेनिंग लेके फिर यहाँ आते हैं और यहाँ पे टेररिज्म करते हैं और ये सब करते हैं। तो अब सुन के शॉक लग रहा है कि देखो, और आप अगर इस टाइप से आप लोगों को इस तरह से करोगे तो बैकफायर आपके ऊपर होगा जरूर। तो बेटर होता है कि ऐसे लफड़ों में पड़ो ही मत। राइट, अब इसमें जो है
मोस्टली हुआ ये था कि देखिए फाइट हो रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन में, बड़ी जबरदस्त फाइट थी, और उस फाइट के चक्कर में वो लोग सपोर्ट कर रहे थे अपने लोगों को जो वहां पे दूसरे को डिस्टेबलाइज कर सकें और आपको जिता सकें, तो वही था। तो रशिया ने एक एक चीज को सपोर्ट किया, यूएस ने एक चीज को सपोर्ट किया, मगर इशू लोगों का इसलिए नहीं है कि तालिबान जो है कंट्रोल करता है, इशू ये है उनकी आइडियोलॉजी का जो अमेरिका ने नहीं सिखाई। अमेरिका ने तो नहीं कहा कि भाई तुम जो हो अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, ये नहीं कहा कि तुम विमेन को एजुकेशन मत दो, घर से बाहर मत जाने दो, उन पे अब्यूज करो, उनको अब्यूज करो, तुम जो भी तुम्हारा ट्रेडिशनल लॉ है वो लगाने के लिए अमेरिका ने तो नहीं कहा। अमेरिका ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कोई भी बड़ी कंट्री जो है डिस्टेबलाइज करने के पैसा लगाती है, मगर वो होप करती है कि जिस पे पैसा लगाया है वो जो है उस कंट्री को अच्छा बनाए, राइट। अगर आपने किसी को पैसा दिया तो होप ये था कि आप जीत जाइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करें, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, हाँ स्टूडेंट्स है तो फिर उनकी इतनी थॉट तो ये सारे जो है ये रिलीजियस स्टूडेंट्स है, कैसे स्टूडेंट्स हो गए, वही तो मतलब पॉइंट ये है कि कोई इंसान आपको पैसा दे सकता है, वेपन दे सकता है, मगर आपका माइंड जो है वो नहीं कन्वर्ट कर सकता कि आप जो है ऐसे लॉज करें, ऐसे अब्यूज़ करें अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों पे, और इतने कि आप जिसने आपको पैसा दिया था फिर उसी कंट्री में जाके उसके 9/11 करें, राइट। तो हुआ ये था कि आप जो है किसी पे पैसा लगाते तो होप करते हैं कि जो पैसा है वो आपने लगाया उस पर जो माना जाता है उस रीजन में पढ़ा लिखा कि होपफुली वो अपनी कंट्री का भला करेगा, अपनी कंट्री को आगे लेके जाएगा, अगर सोवियत यूनियन का रूल हो सोवियत यूनियन को निकाल देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि वो जो है बंदा आपके भी अगेंस्ट हो गया और अपनी कंट्री के भी अगेंस्ट हो गया, अपने पुराने रूल्स करने लग गया, और जिसे हम आतंकवाद कहते हैं, अगर आप वहां जाएंगे बोलेंगे हम तो आतंकवादी नहीं है, और उनका अपना नजरिया, मगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप जो है अपने लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो आप में प्रॉब्लम है। अगर आप पुराने जमाने का लॉ कर रहे हैं, लोगों को ऐसे इस तरीके से शारिया लॉ जैसे कहते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो आप उस पुराने जमाने का लॉ आज रेलेवेंट नहीं है, आप वो कर रहे हैं, अपने ही विमेन को आप सत्यानाश कर रहे हैं। आप अगर आपकी बेटी होती है तो आपने अपनी बेटी को एज गुड एज हेल में डाल दिया, मतलब सोचने वाली बात है। अगर आप ऐसा करें तो ये आपको सिखा नहीं सकती कोई कंट्री, आपको कंट्री वो आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, जैसे जैसे आपको पैसा मिला, जैसे आपको जीतो आप और उस तरीके के आप कह सकते हैं बंदे बनते गए, वो आपकी फॉल्ट है। फिर उसके बाद आप गए हैं, और ओसामा बिलादन जो था वो तालिबान नहीं था, वो अलकायदा था, तो इतना स्ट्रेट नहीं है। अगर उसमें तो सऊदी अरेबिया में अगर वो बैठा हुआ था, यूएस ने उसे पैसा दिया, बड़ा खुश हुआ, अच्छा जी मैं जाता हूँ अफगानिस्तान में करने के लिए, फिर सडनली उसे लगा अरे नहीं नहीं सऊदी अरेबिया में मेरे लोग क्या गए, अरे भैया अगर तू इतना ही देशभक्त था तो पैसा लेके क्यों गया था कहीं और पंगे करने के लिए, तू पैसा ही मत देता। सुना था कि वो खुद ही बहुत अमीर था, हाँ मतलब जो भी प्रिंस का बच्चा बुच्चा था, तो तेरे को क्या पड़ी थी यार, तेरे को पैसा ले लूं के तू किसी को रिप्रेजेंट करने के वहां जा रहे, मतलब अंदर से जिस इंसान के अंदर कैरेक्टर में ही फ्लॉ था उसने ये सब चीजों को लेवरेज किया। और नॉर्मली कोई कंट्रीज ये करती हैं कि हम अगर यहाँ पैसा लगाते हैं, किसी को पावर में लाते हैं, तो बंदा पावर में आ जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट चलाएगा, अपनी अपनी कंट्री का मॉडर्नाइजेशन करेगा और हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखेगा, परंतु आइडियोलॉजी अगर खराब निकलती है तो उसी इंसान की है, कोई तुम्हारे ब्रेन में तो डाल नहीं सकता। क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, राइट। तो जहां तक मुझे लगता है ये बात सही है कि जब यूएस और सोवियत यूनियन की फाइट हो रही थी, हर बंदे ने कोशिश की है कि मैं दूसरे को डाउन करूं और अपने लोगों को आगे करूं, मगर एंड रिजल्ट में उससे कोई अच्छी चीज भी हो सकती थी। मान लीजिए यहाँ के लोग जिन पे पैसा लगाया था अगर वो वाकई अच्छे होते तो अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जाते, मगर निकले इस तरीके के कि उन्होंने प्रिमिटिव चीजों को अडॉप्ट कर लिया और अपनी कंट्री को तब खराब कर दिया। और उसके बाद देखिए अगर इतनी बड़ी बात होती है तो 9/11 के बाद फिर यूएस आया, तालिबान को हटाया, मारा, तालिबान को पूरा खत्म कर दिया, मतलब उस तालिबान का रूल था जब यूएस आया था, और यूएस ने क्या किया, तालिबान को डिस्ट्रॉय किया, तो वो भी एक बात है कि जिसको आपने बनाया उसी को डिस्ट्रॉय किया, राइट। मतलब अगर बोले तालिबान को बनाया तो डिस्ट्रॉय भी तालिबान को तो अमेरिका ने किया, क्योंकि नेट रिजल्ट ये है कि उन्होंने ये सोचा था कि तुम्हें पैसा दिया होपफुली तुम अच्छा करोगे अपनी कंट्री के लिए, बट नहीं किया,
तो उसकी वजह से जो है ये सब हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, एंड करते हैं अभी का वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी करना है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।